ये जो बैगन हमने लिया है और अबरजीन इसको कहते हैं यहाँ पे, इसको हमने बेक ऐसे करना है कि हमने इसको जो है वो कट कर लेना है हाफ में, ठीक है। हाफ में इसको हम कट कर लेंगे इस तरह लंबाई में, और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे क्रॉस कट। डायगोनल लाइंस इस तरह हम इस पे डालेंगे और फिर इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखें, इस तरह पूरा एक चेक सा बन जाएगा। इस तरह की लाइंस आपने इसमें डालनी है, ठीक है। कट लगाने, कट लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसमें गार्लिक जो है वो, गार्लिक मैंने इस तरह छील लिया है लहसुन को, और इस तरह इसके पीसेस जो हैं इसमें स्टफ़ करने हैं आपने, इसमें दबा दबा के आपने इसके अंदर जो है वो डालने हैं, ठीक है। गैस के चूल्हों पे तो ये आराम से हो जाएगा, और उसमें आपको जब आप गैस के चूल्हों में इनको जलाते हैं बैगन को, तो उसका एक अलग चारकोल सा एक इफेक्ट आता है और टेस्ट आता है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक हॉब्स होते हैं तो उसमें भी जो है वो ये बन जाते हैं आराम से, और वही टेस्ट आता है मज़े का, ठीक है। अब देखें, सारे मैंने जो है खानों में इस तरह लहसुन को अंदर स्टफ़ कर दिया है, ठीक है। लहसुन को अंदर दबा दिया है इसमें, ये आराम से हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, ऑलिव ऑयल का स्प्रे करना है, ठीक है। स्प्रे करने के बाद आपने इसमें डालनी है थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद आपने इसको बेक करना है अवन में 180 डिग्री पे, और इसमें अराउंड 20 to 25 मिनट्स तो लगते हैं इनको। और आपने इनको जब तक बेक करना है जब तक ये बिल्कुल गल ना जाए, इनका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म ना हो जाए, लहसुन अच्छी तरह ग्रिल हो जाए। इसको आपने अच्छी तरह ग्रिल करना है बेसिकली, और ये बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट सा अंदर का जो बैगन का जो पूरा जो पार्ट है ये बिल्कुल सॉफ्ट सा और नरम सा एकदम सा ढीला सा हो जाए, इस जब तक आपने इसको ग्रिल करना है अच्छी तरह, ठीक है। तो इसी तरह मैं बाकी पीसेस भी तैयार करूँगी और उसको ओवन में रखूँगी, और फिर निकालने के बाद आपको मैं जब रेसिपी स्टार्ट होगी तो पूरी फिर सामने शो करूँगी।